हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमो रेसिपीज़। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी आसान और ट्रिकी रेसिपी लेके आई हूँ कि खाने में इतनी ज़बरदस्त लगेगी और बड़े तो क्या बच्चे भी इसे बना पाएंगे, और इतनी झटपट बनेगी कि अगर आपको पता चल रहा है कि लास्ट मिनट पे कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए 10 मिनट में ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम माप के लिए एक ग्लास ले लेंगे। ग्लास नॉर्मली सबके घर में होता है तो माप करने में आसानी रहेगी। तो आधा ग्लास यहाँ पर हम लेंगे शक्कर, और थोड़े से काजू बादाम और किशमिश ले लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे मिक्स करके एक छोटा कप भर के ले लिए हैं। इनको भी पीसना है तो हम साथ में ही शक्कर के साथ ही पीस लेंगे। एकदम बारीक फाइन पाउडर बनाकर इसका तैयार करेंगे और किसी एक बाउल में डाल देंगे इसे। आज की रेसिपी में हमें सिर्फ पीसना पीसना ही है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर भी पीसेंगे ही। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं चने, रोस्टेड चने जो मार्केट में आसानी से हमें बिना छिलकों वाले मिल जाते हैं। तो उसी गिलास की माप से हम यहाँ पर पूरा एक गिलास भरकर चने ले लेंगे। यहाँ पे मैंने गिलास की माप से लिए हैं। आप यहाँ पर कोई भी बड़ी कटोरी या फिर कोई भी माप से ले सकते हैं। चलिए इसे भी हमने बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। जो हमने चीनी पीस कर तैयार की है उसी के साथ इसे भी मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर उसी ग्लास के माप से लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट आधा ग्लास भरकर, या फिर जो सूखा नारियल होता है उसको घिस कर भी आप ले सकते हैं बिल्कुल बारीक करके। डेसिकेटेड कोकोनट भी हमें मार्केट से आसानी से मिल ही जाता है। थोड़ी सी हम यहाँ डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और यहाँ पर लिया है एकदम गर्म दूध। इसमें हम थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से दूध में आ जाए। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसे रख लेते हैं। और अब हम इस बाउल में ही डालेंगे आधा ग्लास मलाई जो दूध के ऊपर आती है। उस मलाई को इकट्ठा कर लीजिए और फिर आधा कप हम इसमें डालेंगे। जो बाकी की ग्लास में बची हुई मलाई है वो भी सारी अच्छे से निकाल कर सारी डाल देंगे इसमें। चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, और उसके बाद हम इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे पूरा बांधना है हमें आटे के जैसे। तो सबसे पहले मलाई पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। हाथों की मदद से इसे अच्छे से मसल मसल कर एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मलाई से ही मिक्सचर थोड़ा हल्का गीला हो गया है। और अब हम लेंगे केसर वाला दूध जो हमने केसर गला के रखी है, वो अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इस दूध को लेकर थोड़ा सा हम मिक्सर में चला देंगे जिससे कि केसर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और दूध अच्छे से फ्लेवर केसर वाला फ्लेवर हो जाएगा। आधे कप से भी कम हमने यहाँ पर दूध लिया है, और थोड़ा थोड़ा कर कर हम इसे बांधेंगे। जो हमारा मिक्सर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट आटे जैसा हम इसे बांधकर तैयार करेंगे। इस मिठाई के लिए हमें ना ही इस बैटर को पकाना है और कुछ भी नहीं करना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं आसानी से, और आप बड़े लोग अगर इसे बनाएंगे तो एक ही बार में परफेक्ट तरीके से इसे बना पाएंगे और टेस्ट में इतनी लाजवाब लगेगी कि मार्केट से लाई हुई मिठाई को भी फेल कर देगी। और हमने इसमें रोस्टेड चने डाले हैं तो इससे कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम इसे कुछ इस तरीके से रोल शेप बना देंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी बना सकते हैं, बस एक जैसा कर लेना है। और इसके बाद हम इसके पीस कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारी मिठाई दिखने में लगेगी और खाने में ज़बरदस्त लगेगी। दिखने में जितनी आसान लग रही है उससे भी आसान इसे बनाना है। एक बार ट्राई करके आप देखेंगे तो इसे ज़रूर बना पाएंगे। डो को हम बिल्कुल टाइट बांधेंगे जिससे कि मिठाई हमारी बहुत अच्छे से पीसेस में कट हो पाएगी। और टाइट होने से ये नहीं है कि ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। आने वाले त्योहारों पर अपने घर की बनी मिठाई खाइए और हेल्दी रहिए। इसी तरीके की और भी आसान रेसिपीज़ मैंने अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए सुमो रेसिपीज़ को और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए।